तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और टेक जानो सीखो पर। क्या दोस्तों, आप भी अपना फेसबुक का अकाउंट कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं और एग्जाम वगैरह आपका है या कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर पाएंगे कुछ दिनों के लिए। आज दोस्तों आगे बढ़ेंगे और सीख लेंगे कैसे कैसे क्या करना है। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन को ना ओपन कर लेना है, ठीक है। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपको कॉर्नर पे यहाँ पे थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का, तो आपको सेटिंग पर ही क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को वापस से मिल जाएगा। इसी में एक ऑप्शन होगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, आपको एक्सेस एंड कंट्रोल पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का, ठीक है, तो आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्लिक करना है। और देखिए पूछ रहा है कि आप अपना अकाउंट, दोस्तों मुझे कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट करना है, तो पहले पे चूज करेंगे, दूसरे पे मत करिएगा, पहले पे ही करिएगा और कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आगे की तरफ कुछ पेज आएगा कि क्या आप कितने दिनों के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक ऑप्शन है दिस इज टेम्प्रवरी, आई एम विल बैक, और बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले पे ही ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रीजन देना है क्यों आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देते हैं एग्जाम टाइम और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि टाकिंग अ ब्रेक फ्रॉम फेसबुक और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और कितने दिन के लिए आप लेना चाहते हैं, कितने दिन बाद रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो 7 दिन, 6 दिन या आप यहाँ पे मतलब अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ना, उसके बाद देखिए सामने आपके कुछ पेज आएगा, आपको दिखाना चाहूँगा। और उसके बाद कंटिन्यू करके बस पासवर्ड ही आपको डालना होगा। पासवर्ड जैसे भर देंगे आपका अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मुझे करना नहीं था, बस प्रोसेस बताना था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लगी होगी, सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।